आप लोग YouTube पर आ चुके हैं, YouTube पे कंटेंट भी ढूंढ लिया है किस कंटेंट में। और कभी कभी ऐसा होता है आप लोगों ने कोई एक चैनल क्रिएट कर लिया, जैसे कि YouTube पर आपने एक चैनल क्रिएट करा है और वो व्लॉग चैनल है या कोई ऐसा चैनल है, व्लॉग से टेक रिलेटेड चैनल ही है मान के चलो आप उसको। और आप लोगों ने कभी कभी आपके माइंड में ये आता है कि हो सकता है कि मैंने बहुत गलत चैनल ओपन कर लिया, मेरे चैनल पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या मेरे चैनल की वीडियोस के पे व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं, मेरा चैनल वायरल ही नहीं हो रहा, ग्रोथ ही नहीं कर रहा। तो ऐसा नहीं है, देखो आपको जब तक मेहनत नहीं करोगे ना तब तक आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा, बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे उसके ऊपर। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब मेहनत के लिए देखो, आपने अगर कोई ब्लॉग चैनल है, अब मैंने बहुत से ब्लॉग्स के देखे हैं जो नए नए यूट्यूबर्स बन रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि आज मेरे घर में मेरे अंकल की शादी है या आज मेरे घर में शादी है या आज मेरी बहन की शादी है, उस चीज़ का व्लॉग बना देते हैं, एक से दो वीडियो क्रिएट करके डाल देते हैं और उसके बाद वीडियो पे काम ही नहीं करते, मैंने वीडियो बनाते ही नहीं है, चैनल एज इट इज रह जाते हैं उस पर 10-15-20 यूट्यूब पे जो उसके सब्सक्राइबर्स बनते हैं वो रहते हैं, फिर वो अपने आप चले जाते हैं क्योंकि आप उस पर काम ही नहीं कर रहे हो। रीज़न क्या था, आपके घर में एक फंक्शन हुआ, आपने उसकी वीडियो बना के क्रिएट कर दी, या मान के चलो आप कहीं गए हो वहाँ की वीडियो शूट करके देखो, तो आप चैनल आपका ग्रो करेगा। व्लॉग का कहने का मतलब क्या है, व्लॉग क्या होता है, व्लॉग का मायने समझोगे आप तो आपको समझ आएगा। व्लॉग बनाने से आपकी जो आप दिनचर्या आप दिखा रहे हो उसके साथ साथ कुछ ऐसा भी दिखाओ कि जो दुनिया उसको सर्च करती हो। मान के चलो आप किसी मंदिर में गए या कहीं गए हो, आप किसी टूरिज्म प्लेस पे गए हो तो वहाँ की वीडियो शूट करके डालो, तो क्या होगा, मान के चलो मैं अब उस आप वहाँ से होके आ गए हो और मैं ही हूँ, मैं आपको सर्च करता हूँ कि दिल्ली से मुंबई कैसे जाएं या गेट ऑफ इंडिया कैसे जाएं, कहीं का भी सर्च कर लो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप दिल्ली में ही सर्च कर लो कि दिल्ली में आके कुतुब मीनार कैसे जाएंगे, और आपने व्लॉग बना के डाला है कुतुब मीनार जाने का, किस तरीके से आपको कुतुब मीनार के अंदर एंट्री करनी है, किस तरीके से जाना है, कौन सी मेट्रो स्टेशन लगेगा, कौन सी बस मिलेगी, तो उससे क्या होगा ना, मैं सर्च करूंगा ना तो मुझे अगर जाना है तो मैं वो चीज़ सर्च करूंगा और वो सर्च करते ही वो वीडियो वायरल में जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। और आप बना रहे हो जैसे मेरे घर में शादी है, मैं अपने शादी कर मेरे भैया की शादी है या मेरी बहन की शादी है या मेरे घर कोई देहांत हो गया, कुछ भी हो गया, एक्स वाई जेड किसी भी चीज़ पे आप बना देते हो, तो वो चैनल ना जल्दी से वो वीडियो वायरल नहीं होती है। वायरल क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखो वो चीज़ कोई सर्च नहीं करता है जल्दी से। आप कहीं जा रहे हो, मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, दिल्ली में ही दिखाया मैंने आपको, कुतुब मीनार दिखाया, लाल किला दिखाऊंगा, जामा मस्जिद है, बहुत सी जगह है, वहाँ की आप वीडियो शूट करके डालो। क्या हुआ, अगर कोई दिल्ली के अंदर कोई आता है घूमने आता है तो वो सर्च करता है इस चीज़ को, और वो यूट्यूब पे सर्च करके ही आता है। मान के चलो मैं कहीं जाता हूँ, मैं जैसे दिल्ली में रहता हूँ और मैं आगरा गया, तो मैं आगरा में जाने से पहले मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ कि मैं आगरा जाऊँगा तो कैसे जाऊँगा, मैं आगरा ट्रेन से जाता हूँ, ट्रेन से जाके वहाँ उतरूँगा, उतरने के बाद मुझे टैक्सी लेनी है कि ऑटो लेना है, वहाँ कैसे बार्गेनिंग करनी है, वो चीज़ भी आप लोग दिखाओ। उसके बाद आगरा गेट के आगे जाती हो आप, वहाँ क्या फ्लाइट टिकट लगती है, अंदर जाने का क्या लगता है, वहाँ कैसा चीज़ें हैं, तो वो आप चीज़ जब शो करोगे ना तो आपकी वीडियो पूरी वॉच होगी। क्यों, क्योंकि आप समझा रहे हो कि ऐसे ऐसे आपको जाना है, तब जाके आपकी वीडियोज़ पे अच्छे व्यूज़ आएंगे आप कहीं भी जाओ। तो अब ये नहीं करना चाहिए कि हाँ मेरे यहाँ शादी है, मैंने शादी का 2-4 व्लॉग बना दिया और मैंने डाल दिया, आज हल्दी की रस्म है, कल शादी है, परसों ये है, परसों बारात है, कुछ भी डाल दिया, ऐसे नहीं करना। और वो मेरे ख्याल से अगले दिन ना वीडियो शूट भी नहीं करते हैं, वो 4-5 दिन जब तक शादी होती है तब तक की वीडियो शूट होती है, उसके बाद वो सारी मेहनत खराब हो जाती है, वो लोग उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देते और व्लॉग चैनल जो होता है वो उनका हो जाता है डेड। क्यों, क्योंकि अब इस पर ऑडियंस तो है, बाकी वो कोई वीडियोस तो अपलोड ही नहीं हो रही, तो ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। आप ऐसे चैनल क्रिएट करो जो अभी के टाइम में वायरल है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 2018 के टाइम में लोग क्या चीज़ सर्च कर रहे थे, फ़ोन की बैटरी कैसे बढ़ेगी ऐप, मैंने बहुत से लोगों को देखा उसके ऊपर वीडियोज़ बनाई हुई थी, फ़ोन की बैटरी बूस्ट कैसे करेगी, या हमारे नेटवर्क, किसी के पास 4G फ़ोन होता था तो अभी 2022 की बात है, 4G फोन होता था तो 5G के बहुत से फेक्स वीडियोस आई थी कि अपने 4G फोन को 5G में कन्वर्ट करें, तो बहुत से लोग ऐसे थे जो फेक वीडियो क्रिएट कर देते थे और उनकी वीडियो वायरल हो जाती थी। तो वो एक ट्रेंडिंग होता है, जिस टाइम पे एक वायरल होती है वीडियो, एक हवा चलती है जिसके अंदर कुछ भी आप उस टॉपिक पे बना दोगे ना तो वो वायरल हो जाएगा 101%। बट अभी के टाइम में क्या है, अभी के टाइम में आपको मैं 2 चैनल का सजेशन करूंगा कि किसी ने आपको सजेशन नहीं करा होगा, मैं आप लोगों को सजेशन कर देता हूँ। फर्स्ट चैनल जो है आपका फैक्ट चैनल होना चाहिए,
आप छोटी शॉर्ट्स वीडियो बनाओ जिसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज आते हैं 90 में, जो आप मान के चलोगे उसमें जो आपको 3 व्यूज हैं वो कवर अप कर लो, आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट चीज तो मैं आपको ये बताऊंगा। सेकंड मैं आपको बताता हूँ, आप एक व्लॉग चैनल बना लो। व्लॉग चैनल भी तब बनाओ जब आप कहीं जाते हो घूमने, क्या कहीं जाते हो एक दिन, अगर आप जाते हो महीने में, तो ऐसा ना करो कि एक दिन का व्लॉग चैनल बनाया और आपने एक महीने में एक वीडियो क्रिएट करके डाल दो, तो वो मेरे ख्याल से चैनल नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी ऑडियंस आपकी ना वेट नहीं करेगी कि आप नेक्स्ट टाइम कब बाहर जाओगे, वीडियो शूट करके आओगे और कब डालोगे, ये चीज का खास ध्यान रखना। हाँ, एक आध दिन गैप करके आप व्लॉग बना रहे हो, जैसे कि आप एक खाली हो, आप या कॉलेज कर रहे हो या कहीं ऐसी जॉब करते हो जहाँ पे अच्छे टूरिज्म प्लेस हैं, जहाँ पे अच्छी जगह है, वहाँ का व्लॉग चैनल व्लॉग बना के डालोगे ना तो वो वायरल हो सकता है। तो इस तरीके के चैनल के आइडियाज मैं आपको दिए हैं, तो इसके ऊपर अगर आप चैनल बनाना चाहते हो और जो आपने चैनल पहले क्रिएट करा है, मैंने आपने कोई ऐसा चैनल क्रिएट कर लिया जिसको अभी लगता है कि मेरा व्यूज नहीं आएगा, एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान के चलो कोई यूट्यूब है, जो यूट्यूब के अंदर कोई अपनी एजुकेशन है, कोई टीचर है, वो समझाता है कि मैं 11th 12th के बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं या मैथ पढ़ाते हैं या कॉमर्स कुछ भी पढ़ाते हैं, उनका चैनल है, तो उनके चैनल पर हाईएस्ट व्यूज कितने आएंगे आपको पता है? 1000 से 2000 व्यूज आएंगे, हाईएस्ट व्यूज। और अगर आप ब्लॉग चैनल बनाते हो तो आपका ब्लॉग चैनल के ऊपर हाईएस्ट व्यूज जो आते हैं ना वो लगभग आ सकते हैं 20K से ऊपर। 20K मैंने मान के चलो 20K, 20, 30, 40K भी आ सकते हैं आपके उस चैनल के ऊपर। अगर आप एजुकेशन पे, तो हाईएस्ट व्यूज 1K 2K मैंने 2100 व्यूज ही आ पाएंगे, ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे। तो रीजन यही है कि आपको अभी जो ट्रेंडिंग में चैनल चल रहे हैं उसके ऊपर मेहनत करनी है। और दूसरी चीज ये नहीं कि अभी आप किसी चैनल पर काम करें तो उस चैनल को छोड़ दो, उसको मत छोड़ो, उसके साथ काम करो। आप मान के चलो आपने कोई चैनल क्रिएट कर रखा है, मान के चलो आप टेक चैनल बनाते हो या फैक्ट चैनल पे काम कर रहे हो या टेक वीडियोस पे काम कर रहे हो, तो उसके चैनल के साथ एक व्लॉग चैनल क्रिएट कर लो। हो सकता है आप कहीं जाते होंगे, वहाँ की वीडियोस डालें, उसके बारे में सही एजुकेट करें कि आपको यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करना है तो इस जगह पे उतर के आगे ऐसे जाना है, उस चीज को ऑडियंस देखती है। ये नहीं कि आप यहाँ से गए दिखा दिया जी ये देखो ये ताजमहल है या ये लाल किला है, ये अंग्रेजों के टाइम का, तो ये तो हिस्ट्री में सबने पढ़ रखा है। ऐसा नहीं है, हिस्ट्री में सब किसी ने पढ़ा हुआ है, कोई हिस्ट्री आपसे जानना नहीं चाहता, आपसे जानना ये चाहती है ऑडियंस कि इस डिस्टेंस कवर अप कैसे करना है। जैसे कि आप, मैं ही हूँ, मैं एग्जांपल के तौर पे मेट्रो स्टेशन दिखाऊंगा, नियर बाय मेट्रो स्टेशन ये लगेगा, इतनी दूरी पे ये डिस्टेंस है, ये दुकान पड़ती है, आगे जाने का रास्ता इस तरीके से। तो ऐसा वीडियो शूट करो जो ट्रेंडिंग में वीडियो जाए, जो वीडियो जो वायरल हो जाए। तो आप लोगों को समझ आ गया, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक करें, क्योंकि मैंने देखा है ऑडियंस मेरी सिर्फ वीडियोस देख के जा रही है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।